तक आ जाएगा, और जब हम आगे चौक से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो सूरतगढ़ रोड और बीकानेर रोड आ जाती है। बीकानेर से आप आगे अजमेर निकल सकते हैं। यहाँ की सड़कें थोड़ा सा चौड़ी हैं एज कम्पेयर टू देहरादून, और ये जो श्रीगंगानगर है वो पाकिस्तान बॉर्डर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब यहाँ से अगर आप पाकिस्तान बॉर्डर जाना चाहेंगे तो आपको 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ही कवर करना है। तो कहा जाता है चहल चौक, और जय हो शिव मंदिर, सामने शिव मंदिर भी दिख रहा होगा। सूर्यास्त होने वाला है, शाम का वक्त है। यहाँ से भी आप लेफ्ट निकलोगे तो भी सूरतगढ़ और बीकानेर का रूट है। आगे वाले चौक से भी अगर आप लेफ्ट निकलते हो तो भी आपको बीकानेर और सूरतगढ़ का रूट मिलेगा। चौक आ गया, इसको हम कहते हैं शिव चौक। शिव चौक से लेफ्ट मुड़ेंगे तो बीकानेर सूरतगढ़ का रूट आ जाएगा, और अब हम मार्केट की तरफ मूव कर रहे हैं। जिंद महिले चलियो आहा कि जिंद महिले चलियो, पटियाले की उत्ते लिया रेशमी नाल की आधे चिट्टे ने आहा कि आधे आधे काले। श्रीगंगानगर का जो कल्चर है वो बहुत हद तक पंजाब से मिलता है, बिकॉज पंजाब का बॉर्डर भी यहाँ से मात्र 8-10 किलोमीटर के आगे जाओगे तो पंजाब बॉर्डर आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे गंगानगर में पंजाबी कल्चर आपको बहुत देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो मेन प्रोफेशन है वो एग्रीकल्चर ही है, ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी में लगे हैं और बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, किसान परिवार के लोग बहुत हैं। तो पूरी जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है मोस्टली वो डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पे ही है। उसका रीज़न यही है कि यहाँ की मिट्टी में कनक यानी कि गेहूँ बहुत लगता है, किन्नू बहुत लगता है, इसके अलावा नरमा जिसे हम कपास कहते हैं, कपास यहाँ बहुत है। ठीक है, तो किन्नू जो फ्रूट है वो शायद से और कहीं मिलता नहीं है, बिकॉज ये हाई यील्ड वैरायटी है संतरे और मौसमी के बीच की, बड़े बड़े साइज में होते हैं, स्लाइसेस आपको लगेगा संतरे जैसे बट होता संतरे जैसा नहीं है, और ये पूरे भारत में एक्सपोर्ट होता है श्रीगंगानगर से। ये हम आगे सुखाड़िया सर्किल, इसको हम कहते हैं सुखाड़िया सर्किल। तो सुखाड़िया सर्किल से हम टर्न करेंगे। कोविड आया, कोविड में भी फिर मैंने कुछ हाथ पांव मारे, कुछ ऐसे बिजनेस सर्च किए जो कि कोविड में किया जा सकता था। ठीक है, नो डाउट कि कोविड ड्यूरेशंस में डिजिटल प्लेटफॉर्म काफ़ी बूस्ट अप हुआ, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी चीज़ें भी चली। तो इन सारी चीज़ों में सबसे बढ़िया चीज़ जो हुई ना वो ये हुई कि लोगों ने कुछ और ऑप्शन अदर देन जॉब, कुछ और ऑप्शंस ढूंढने शुरू किए। जब लोगों को पता चला कि भाई कुछ मार्केट में ऐसे बिजनेस भी हैं जिसमें आप सिर्फ अपने हेल्थ के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स को यूज़ करें और लोगों को बताएं, लोगों को जागरूक करें, लोगों की सेहत अच्छी करें, तो आपको भी रिटर्न बहुत बेहतरीन मिलते हैं। मैं ये मानता हूँ अगर आपको कोई अच्छी राय दे रहा है, अच्छा काम समझा रहा है, तो आपको एक बार उसको सुनना चाहिए। जब आप उसको सुन लेंगे, समझें, उसको परखें, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि ये बिज़नेस आपके लायक है या नहीं है। अगर आपके लायक है तो आप इसको शिद्दत से कीजिए, इसमें ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं होती है, 2-3 घंटे सफिशिएंट है अगर आप डेली देते हैं। अगर वीक का देते हैं तो आप 5 दे सकते हैं वीक में, 5 घंटे 6 घंटे, वीकेंड्स पे आपकी मर्जी है वो, तो उस तरीके से आप काम कीजिए। सो अभी हम
इंदिरा वाटिका नाम की जगह है, उसके सामने से गुजर रहे हैं। ये एरिया काफ़ी डेवलप्ड है, पॉश एरिया है। अभी राजस्थान में इस बार खूब बारिश हुई है, तो उससे क्या हुआ कि बहुत अच्छा मतलब आप ग्रीनरी देख रहे होंगे रोड साइड में भी, जहाँ प्लांटेशन थी उस काफ़ी अच्छी हरियाली दिख रही है। और मेरे वीडियोस भी आने वाले टाइम में आप देखते रहेंगे, क्योंकि देखिए मैं अगर ब्लॉग्स डाल रहा हूँ तो ड्यूरेशन में अगर मैं काम भी कर रहा हूँ तो मैं अपना काम भी आपको दिखाऊँगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने की बात है, आपको दिखेगा कि ये काम जो बिज़नेस में बात कर रहा हूँ वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो घूमते फिरते इंजॉय करते आप अपना बिज़नेस भी डेवलप कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इस बिज़नेस में। अब समय हो गया है मैडम के स्कूल के छूटने का, तो हम चलते हैं मैडम के स्कूल, मैडम को पिक कर लेते हैं, बेटे को पिक कर लेते हैं स्कूल से। ठीक है, रूटीन चेकअप में डॉक्टर को दिखा लिया है। राजस्थान में गर्मियों का आलम जो रहता है वो ऐसे ही बड़ा भयंकर रहता है। देखिए इंसान जहाँ रहता है उसके जैसा ही वो वहाँ पे अपने आप को अडाप्ट कर लेता है ना। अब जो पहाड़ों में रहते हैं वो बारिशों से, ठंड से, उनको पता है कि इतनी ठंड पड़नी पड़नी है। राजस्थान में जो रह रहे हैं उनको पता है ही भाई इतनी गर्मी पड़नी पड़नी है, तो इसको कैसे झेलना है। उनका बॉडी जो होती है वो उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेती है, तो वैसे ही है पहाड़ वाले पहाड़ों में कर लेंगे। तो भागा दौड़ वाली ज़िंदगी, इंसान चाहता है कि जल्दी से भाग के मैं कवर कर लूँ फटाफट से, पीछे से भले ही गाड़ी आ रही हो, गाड़ी ठोक दे, लेकिन इंसान चाहता है कि मैं भाग के जल्दी से जल्दी मैं पहुँच जाऊँ, मैं निकल जाऊँ, मैं और मैं बस। इस मैंने इस दुनिया में लोगों को कर दिया है परेशान हैरान। ये स्कूल की छुट्टी भी हो गई है, गाड़ियाँ भी आने लग गई हैं, तो अब हमको धीरे धीरे चलना पड़ेगा बिकॉज काफ़ी ट्रैफिक निकलता है। गाड़ियाँ अभी तक आ ही रही हैं, जगह ही नहीं बनी है। बच्चे आजकल बुलेट लेके स्कूलों में आते हैं, देखो आप। Please subscribe, like and share Vanshabisht Vlogs.